कैंप दो बैकुंठ धाम स्थित सरकारी अस्पताल में पूर्व में भर्ती डायरिया के सभी मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। भर्ती मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घरों में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। डायरिया से बचाव को लेकर क्षेत्र में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। बैकुंठ धाम और शारदा पारा में फैले डायरिया के प्रकोप के बाद इसकी चपेट में आए अनेक मरीजों को शहर के सरकारी और निजी चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया था, जिसमें से एक बैकुंठ धाम स्थित सरकारी हॉस्पिटल भी शामिल था, जिसमें मरीजों को भर्ती कराया गया था। वर्तमान में अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किया जा चुका है। भर्ती के दौरान डायरिया प्रभावित सभी मरीजों का वरिष्ठ डॉक्टरों की मौजूदगी में उपचार किया गया था, जिसके नतीजे सुखद रहे। लगातार चले उपचार के बाद सभी मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अस्पताल की डॉक्टर निविता डैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उपचार की सुविधा तो सारी है, हम पूरा प्रबंध करके रखे थे यहाँ, परंतु अभी एक भी पेशेंट आज की डेट पर नहीं है। 1/12 आज की डेट पर एक भी पेशेंट अभी एडमिट नहीं है। हर दिन 5 से 6 पेशेंट का, शुरू में तो 10-15 पेशेंट इंडोर हो रहा था, अभी कल परसों से 6 और परसों तक 5 और 6 आए, कल से कम हो गया बिल्कुल, और आज तो बिल्कुल नहीं है। फील्ड में हमारे एरिया में जहाँ जहाँ पे उल्टी दस्त का प्रकरण था, हर जगह एनएम और मितानिन की पूरी टीम बनाई गई थी सुपरवाइजर्स की हेल्प के साथ, और चंदूलाल का बहुत बड़ा सहयोग था, चंदूलाल हॉस्पिटल का, उनके डॉक्टर्स भी फील्ड में सारे थे, और एक एक घर में सर्वे किया है, एक एक घर जाकर, और एक भी पेशेंट को अगर उल्टी या दस्त था तो वो लाके एडमिट किया जा रहा है। बहरहाल उल्टी दस्त से प्रभावित क्षेत्र में नगर निगम की टीम द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही डायरिया के लिए जवाबदार कुव्यवस्थाओं को भी सुधारने प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।